स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना होगा। देखो, इसको बनाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी। हमने यहाँ पर क्या किया कि बी को आरएचएस में भेज दिया, ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो ये जो रिजल्ट आया इसको हम लोग थोड़ा सेव करके रख लेते हैं। अब यहां पर हम अगर ए प्लस सी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा। देखो, ए प्लस सी का जो वैल्यू है वो है माइनस बी, अभी हमने इसको सेव करके रखा हुआ है, तो ए प्लस सी का वैल्यू माइनस बी है। और आपको पता है कि दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, ये याद रखना है कि दो सेम वेक्टर रहेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ए प्लस सी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुआ। अब यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसको, ए क्रॉस बी, उसके बाद इसको और इसको प्लस लगा के सी क्रॉस बी इक्वल टू 0, इतना आया। अब देखो, ये ए क्रॉस बी जैसा है वैसा लिख देते हैं, और इस सी क्रॉस बी को अगर आप पलट के लिखते हो तो आपको इसका नेगेटिव लिखना पड़ता है। मतलब सी क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस सी लिखेंगे तो उसके आगे माइनस लगाया जाता है, और ये कितना था, 0 था। तो यहां पर अगर हम इसको आरएचएस में भेज देते हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना आ गया, बी क्रॉस सी, उधर जाके ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहां पर हमसे पूछा गया था कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, तो वो बी क्रॉस सी के बराबर होगा। ये मेथड है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है इस सवाल में। इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका अच्छा होना चाहिए। थैंक यू।